good morning students. today we are going to start our supplementary book that is panorama. in this book, two different kind of questions would be asked to us in the examination. question first would be related to the character sketch or a long Question. there would be two questions and out of two we have to attend one question and this question would be of seven marks and the next question would be short type of question and in short questions they would give us four questions and we have to attend all the questions इच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स इट मीन देर वुड बी एट मार्क्स ऑफ द शॉर्ट क्वेस् एंड वन मार्क्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन सो द टोटल मार्किंग वुड बी फिफ्टीन सो द क्वेश्चन वीच आर गोइंग टू बी आस्ड इन द एग्जामिनेसन फर्स्ट वन वुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड इट वुड बी ऑफ सेवन मार्क्स एंड द सेकेंड क्वेश्चन वुड बी इन फोर पार्ट्स And each question carries two marks in this one. In this way, the short questions would be of eight marks, and the long question would be of seven marks, and total marks would be fifteen from the penorma book. So it is very important for us to learn all the questions. रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स दीज चैप्टर्स एंड दिसकशंस आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और इवेंट और जनरली ऑन द कैरेक्टर स्कैच ऑफ दैरेक्टर्स देर आर इलेवेन चैप्टर्स इन दिस बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक द टाइगर किंग

He kills many tigers and he wants the astrologer's prediction wrong. So, just to prove the astrologer's prediction wrong, he kills many innocent animals. And this is the central point of this story. That to gain our greed or our private ends, we generally make the innocent creatures suffer. So, there is a message for all humankind, all human beings, that we must not try to. टोर्चर एनी इनोसेंट एनिमल और क्रीचर अबाउट द राइटर ऑल्दो इन द क्वेश्चन देर वुड बी नो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी राइटर मीन्स इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन आर नॉट आस्ट रिलेटेड टू राइटर सो वी Can skip it. However, it has been given to us, so I'm just going to read it. Ramaswamy Ayer, Krishnamurti, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and an Indian independence activist. रामस्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति जो कि कलकी के नाम से जाने जाते हैं पेन नेम का मीनिंग होता है द नेम अंडर विच ए राइटर राइट्स हिज वर्क्स एक ऐसा नाम जिसके अंतर्गत कोई भी राइटर अपने वर्क्स को लिखता है चाहे पोइट हो चाहे वो कोई नरेटर हो या कोई स्टोरी राइटर हो जो भी नाम वह अपनी पब्लिकेशन में देता है या अपनी जो क्रिएशंस हैं उनमें डालता है तो वही उसका पेन नेम होता है वो एक तमिल राइटर थे जर्नलिस्ट थे न्यूज पेपर्स में लिखा करते थे पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक जो किसी वर्क को या किसी क्रिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है या उसकी जो कमियां हैं या उनकी जो अच्छाइयाँ उनके बारे में बताने की कोशिश करता है वो क्रिएटिक है और साथ में भारतीय जो स्वतंत्रता है उसमें वो एक एक्टिविस्ट भी थे उसमें एक्टिविस्ट भी थे ही डिराइव्ड हिज नेम he derived his pen name कल from the suffixes of his हिज name नेम कल्याणी एंड हिज नेम तो जो कल नाम था वह उनकी पत्नी जिनका नाम कल्याणी था और उनका खुद का नाम कृष्ण मूर्ति था उन दोनों को मिलकर वो क्या करते हैं ये कल नाम डराइव करते हैं तो जो कल नाम है वह कल्याणी और जो कृष्ण मूर्ति है इन दोनों का संयुक्त नाम है हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ़ शॉर्ट स्टोरीज उनकी जो राइटिंग्स होती है उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ है फाइव नोवेल्स हैं साथ ही साथ में कुछ एडिटोरियल्स भी लिखे उन्होंने और पॉलिटिकल राइटिंग्स भी है फिल्म और म्यूज़िक रिव्यूज़ भी उन्होंने हैं। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं सेक्टर्स से हैं जिनमें उन्होंने काम किया है कल्कि का इंट्रोडक्शन हो गया अब हम चलते हैं स्टोरी पर फर्स्ट पार्ट है इसका द महाराजा ओ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी प्रतिबंधपुरम की जो महाराजा है वो इस स्टोरी के हीरो है सो द चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज द महाराजा ओब प्रतिबंधपुरम ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हाई हिज हाइनेस जिमेदार जनरल उनको महामहिम जिमेदार जनरल के नाम में जाना जा सकता है या पहचाना जा सकता है किलेदार मेजर सतव्यग्र समारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सतानी जंगजंग बहादुर ये उनके कुछ उपनाम है जिनके नाम से उनको जाना जाता है एम या एस और सी आर सी के बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग परंतु ये नाम कई बार छोटा बनाकर टाइगर किंग कर दिया जाता है तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो उनके लिए यूज की जाती है ठीक है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग मैं अब आगे आता हूं आपको ये बताने के लिए कि उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया था आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ऑफ्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विद्रोवल मेरा कोई इरादा नहीं है इंटेंसन मीन्स क्या होता है इरादा इंटेंशन मीन्स इरादा प्रिटेंड मींस बहाना करना प्रिटेंड मींस बहाना करना एडवांस मींस आगे बढ़ना स्ट्रेटेजिक मीन्स होता है जो अपनी तरफ कैसे कोई ट्रिक्स को अपनाता हो तो ट्रिकी वे में या फिर नीतिगत तरीके से विड्रॉल मीन्स होता है पीछे हटना तो स्ट्रेटेजिक मीन्स नीतिगत तरीके से तो यहां पे इनके कहने का इंटेंशन है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आगे बढ़ने के लिए ये बहाना करता हूँ और मैं इसके अंत के लिए आगे की तरफ कोई नीतिगत पीछे हटने की बात कहूँगा तो सिंपल सा वे क्या हो गया है मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से पीछे हटूं या हटूंगा तो ऐसा कोई इरादा नहीं होता है उनका पीछे हटने का तो यहाँ पे इंटेंशन जो है उनका वो सिंपली यही है कि उस जो रियलिटी है उसको तो बताएंगे परंतु तो तो इस समय वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस स्टोरी में आगे जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं इवन द थ्रेट ऑफ सूतक बॉम्बर विल नोट थ्रो मी ऑफ ट्रैक ऑन ट्रैक यहाँ तक कि स्टोक बॉम्बर की जो थ्रेट है वो भी मुझे अपने रास्ते से नहीं अलग करेगी या भटकाएगी तो स्टोक तो एक बॉम्बर है जिसमें से बॉम्ब्स को डाला जाता है नीचे की तरफ दम, तो उसकी धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटाएगी ट्रेक मीन्स होता है रास्ता वे द स्टोक इट इज लाइक्स कैन बीट ए है शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है रिट्रीट मीन्स होता है टू गो बैक टू गो बैक पीछे हटना या पीछे जाना तो स्टूक जो है वो भी चाहे तो मेरे रास्ते से पीछे हट सकता है तो एक तरीके से ये जो स्टूक है उसी को क्या दे रहे हैं थ्रेट दे रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट राइट इट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग इंपेरेटिव मींस वेरी नेसेसरी बहुत आवश्यक प्रारम्भ में ही इस बात को डिस्क्लोज करना ओपन करना बहुत आवश्यक है जो कि टाइगर किंग के बारे में बहुत ज़्यादा महत्व की है वाइट एल वेरी बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंस महत्व होता ही है तो स्टार्टिंग से ही टाइगर किंग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको डिस्क्लोज करना बहुत आवश्यक है एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इन करेज फेस टू फेस जो कोई भी उसके बारे में पढ़ता है वह स्वाभाविक रूप से ये एक्सपीरियंस करेगा उस डिजायर को कि वह इस प्रकार के अदम्य साहस वाले व्यक्ति का आमने-सामने मिले या सामने से मिले इन डोमेटेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी सप्रेस्ड ऐसी चीज जिसको हम दबा नहीं सकते हो अदम्य करेज मींस साहस करेज मींस साहस तो कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में सुनेगा तो उसका ऐसा अनुभव रहेगा कि वह नेचुरली उस व्यक्ति से मिलना चाहेगा बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट परंतु अब इसकी पूर्णता की कोई चांसेस नहीं है एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ जिस तरीके से भारत ने राम को कहा था दशरथ के बारे में द टाइगर किंग हैज़ रीस्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स जो टाइगर किंग है वह सभी लिविंग क्रीचर्स के जो फाइनल अबोर्ड है परमाश्रय है वहाँ पहुंच चुके हैं अबोर्ड मीन्स लिविंग प्लेस अबोर्ड मीन्स लिविंग प्लेस रहने की जगह आश्रय स्थल सॉरी फॉर द फोन कॉल भूल गया था इसको फ्लाइट मोड में करना चल नेक्स्ट बट देर इज नो चांस ऑफ़ इट्स फुलफिलमेंट एट भरत टू राम अबाउट दशरथ द टाइगर किंग हैज रिस्ट दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग फ्रीचर्स जिस तरीके से भरत ने राम को कहा था कि दशरथ जो कि टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि टाइगर किंग जो है वो सभी लिविंग ट्रीचर्स के फाइनल अबोर्ड में पहुंच चुके थे अबोर्ड मीन्स शरणस्थली या जहाँ पे कोई शरण लेता है उसकी जगह लिविंग प्लेस बोल सकते हैं द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट उनकी जो डेथ का जो तरीका था वह असाधारण रुचि का विषय है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डिनरी इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल ये केवल कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है रिविलींस टू डिसक्लोज रिविलींस टू डिसक्लोज डिसक्लोजमें स्टोरी द मोस्ट फैंटिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हैड फोटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई सबसे काल्पनिक जो पहलू है उसकी मृत्यु का वह था कि जैसे ही वो पैदा हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग वास्तव में एक दिन मर जाएगा एस्ट्रोलॉजर मींस होता है जो भविष्य बताते हैं भविष्य वक्त फॉर टेल मींस होता है भविष्यवाणी करना टू प्रेडिक्ट ओके फॉरटेल मींस प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना तो सबसे और फैंटेस्टिक का मीनिंग होता है इमेजिनरी काल्पनिक एस्पेक्ट मीन्स पहलू तो सबसे फैंटेस्टिक जो एस्पेक्ट था उसकी मृत्यु का वो ये था कि जैसे ही वो पैदा हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग वास्तव में एक दिन मर जाएगा तो इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा थिंग नहीं है जो भी जन्म लेता वो मरता ही है बट फिर भी इसको वो एग्जिजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हाइपरवलिकल यूज़ है यहाँ पे द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स हीरो ऑफ हीरोज़ चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस जो बच्चा है वह बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा हीरोज़ में उनका सबसे बड़ा हीरो बनेगा और जो चैम्पियंस हैं उनमें उनका भी चैम्पियन बनेगा मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ही वुड बी अ ग्रेट वॉरियर ही वुड बी अ ग्रेट हीरो एंड ही वुड बी अ ग्रेट चैम्पियन तो यहाँ पे वॉरियर्स ऑफ वॉरियर का कहने का मीनिंग क्या हो गया वॉरियर सबसे महान वो बनेगा और हीरो ऑफ हीरो ग्रेटेस्ट चैंपियन तो यहाँ पे एक फिग्रोवीज होता है डायकोपी उसका यूज किया गया है जिसमें इंटेंसिटी को बढ़ा के कहा जाता है बट दे बिट दे लिप्स एंड सेलो डार्ड परंतु उनके बाद में उन्होंने अपने लिप्स को काटा और उन्होंने निकल लिया अब सेलो करने के लिए क्या होता है उनके पास में वहाँ पे थूक तो उन्होंने थूक निकल लिया अब लिप्स को बिट करने का मीनिंग क्या हो गया बाइट करने का मीनिंग क्या हो गया लिप्स को बाइट करने का मीनिंग हो गया है कि अब वो आगे और कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे कहीं जो टाइगर किंग के जो पेरेंट्स हैं उनको बुरा ना लग जाए या फिर वो कुछ उसके बारे में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके बारे में कुछ गलत ना कर ले इसकी वजह से वो चुप हो जाते हैं शांत हो जाते हैं वैन कंपेयर टू कंटिन्यू जब उनको बाध्य किया जारी रखने के लिए कंपेयर मीन्स बाध्य करना द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट एस्ट्रोलॉजर्स इसके साथ में बाहर आए दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नोट बी रिवील्ड ए टॉल ये एक रहस्य है जिसको बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए रिविल्ड मीन्स उजागर करना एंड येट वी आर फर्स्ट टू स्टीक आउट परंतु हमें बोलने के लिए बाध्य किया गया है द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे है टू मीट इट्स डेथ इस स्टार के अंतर्गत जन्मे बच्चे को एक दिन मरना ही होगा मृत्यु से मिलना ही होगा तो ये थोड़ी सी फनी स्टोरी टाइप में है कि अगर इस स्टार के अंतर्गत जन्म लेता है तो उसको मरना ही होगा ठीक मरते तो सभी हैं चाहे वो किसी भी स्टार के अंतर्गत जन्म क्यों ना लेते हो नंबर सेकेंड एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टू प्लेस और उसी क्षण एक बहुत बड़ा जो मिरेकल था जो चमत्कार था वो हुआ मिरेकल मींस चमत्कार उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ एन एस्टोनिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टेन डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर दस दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला एस्ट्रोनोसिंग में सोता सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग ठीक है आश्चर्यजनक तो जिलानी जंगजंग बहादुर जो कि अभी दस दिन के ही थे उनके लिप्स से उनके होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकलता है इमर्जमेंस होता है आउट आउट बाहर आया या निकला और क्या आता है वाइज प्रोफेट्स बुद्धिमान ज्योतिषियो एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूपिफिकेशन सारे के सारे जो लोग थे ट्रेंसफिक्सड हो गए ट्रांसफिक्सड क्या मीनिंग होता है सरप्राइज हो जाना या हक्का बक्का हो जाना और स्टिफिकेशन का मीनिंग होता है जड़ या स्तंभित सॉक्ट स्टिफिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है स्टीफिफिकेशन का मीनिंग हो जाएगा सॉफ्ट तो सारे के सारे जो लोग थे वो क्या हो गए शॉक्ट हो गए ट्रांसफिक्स मीनिंग होता है हथफ्रद रह जाना या हक्का बक्का होना हक्का बक्का रहना इसका मीनिंग भी क्या होता है इसका मीनिंग होता है कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो और वह ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि वह कुछ बोल सके या कुछ कर सके तो हर एक व्यक्ति जो था वहाँ पे जैसे ही वो बोलता है तो उसकी बात को सुनकर सारे के सारे जो लोग होते हैं वो मूर्खतापूर्ण तरीके से जड़वत हो कर रह गए स्टिफिकेशन का दूसरा मीनिंग जो होता है वो मूर्खता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पुलिस के लिए दे लुक्ड वाइल्डली एट ईज अदर एंड ब्लिंक्ड उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने आंख झप झाई वॉइस प्रोफेट्स इट वॉज आई हु हुपोक ये मैं था जो बोला दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स। अब यहाँ डाउट का कोई आधार नहीं था इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट टेन डेज अगो हु हैड इशेड द वर्ड्स सो क्लियरली ये वो शिशु था जो दस दिन पहले ही जन्म जिसने लिया था और उसने ही ये सारे शब्द इतने स्पष्ट रूप से प्रनाउंस किए थे इनसेट मीन्स होता है प्रनाउंस उच्चारण करना उच्चारण करना द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज spectacles एंड गेस्ट इंटेंटली एट द बेबी जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था ज्योतिष था उसने अपने स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा उतारा टुक ऑफ मीन्स क्या होता है उतारना और इंटेंसन से बड़ी गंभीरता से या बड़ी नजदीक से उसने उस बेबी की तरफ घूर कर देखा गेज मीन्स टू लुक एट समबडी कॉन्स्टेंटली किसी की तरफ लगातार देखना तो उसने पूर्ण इरादे के साथ में या पूर्ण मनोयोग के साथ में उस बच्चे की तरफ देखा ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे डाई सभी जो लोग पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना ही होता है यू डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट हमें तुम्हारे प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है वो जानने के लिए प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है भविष्यवाणी तो जो ज्योतिष होते हैं जब वो बताते हैं कि इस स्टार के अंतर्गत जो भी पैदा होता है वो एक दिन मरता ही है इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग नहीं सभी जानते हैं इस चीज को और यही बात दस दिन का जो बेबी है वो भी बता रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम सब नहीं जानते हो, ठीक है ये तो सभी जानते हैं देर वुड बी सम इट इफ यू टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ इसमें कोई सेंस हो सकता है अगर तुम मृत्यु का कारण बता सकते हो या तरीका बता सकते हो मैरमेंस वे क्या प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे तरीका द रॉयल इन्फेंट

पतली हो तो उसने थोड़ी पतली आवाज में कहा जिस तरीके की बर्ड्स की आवाज होती है वैसी आवाज ची ची की आवाज ठीक है सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द निकनेम्स ऑफ द टाइगर किंग We have also come to know about his birthday on which he was born, and royal astrologers predicted something about his death. At the very day on which the astrologers were giving predictions. The royal infant spoke clearly and he asked the astrologers to tell the manner of his death because it was obvious to know for everyone that whoever takes birth or whoever is born in the world one day. Must die, but there is no any surprising thing in that, and it does not require any prediction because it is a general truth, and all the human beings know it. That's why the royal infant, the tiger king, wants the astrologers to tell the manner of his death. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching the video.